देखिए जिस तरह से महाराष्ट्र की महायुति सरकार सोई हुई है, उस सरकार को जगाने के लिए आज हम लोगों ने महाराष्ट्र बंद का अपील किया था, लेकिन कल महाराष्ट्र मुंबई की हाई कोर्ट ने बंद के आह्वान को लेके स्टे दिया था और हम लोगों ने तुरंत कोर्ट का न्यायालय का सम्मान करते हुए बंद जो करने के लिए हम लोगों ने अपील की थी, निवेदन किया था लोगों से, उसको हमने वापस लिया और आज जगह जगह पे लोकतांत्रिक तरीके से, कहीं राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के पुतले के पास, कहीं बाबा साहब अम्बेडकर जी के पुतले के पास, कहीं अलग अलग जगहों पे, पुणे में शरद पवार साहब भारी बरसात के बावजूद वहाँ पर उन्होंने धरना दिया है, थाना के अंदर नाना पटोले जी ने और हम लोगों ने हमने मिलकर वहाँ पर सवेरे धरना दिया है, उद्धव ठाकरे जी ने सेना भवन के नीचे बैठकर वहाँ पर धरना दिया है इतनी भारी बरसात के अंदर, और आज ये चांदीवली विधानसभा क्षेत्र के अंदर हम लोगों ने निषेध मोर्चा सभी सामाजिक संस्थाओं को लेकर, सभी अलग अलग धर्म के धर्म गुरु हैं, अलग अलग स्कूलों के प्रिंसिपल हैं, टीचर हैं, अलग अलग मंडल के लोग हैं, कांग्रेस के और राष्ट्रवादी कांग्रेस के और हमारे सभी अलग महाविकास अघाड़ी के अलग अलग पदाधिकारी इसमें शामिल हुए हैं, और हम लोगों ने जो घटनाएं महिलाओं पर, छोटी बच्चियों पर जिस तरह से मुंबई सहित पूरे महाराष्ट्र में बार बार घट रही है, वो घटना घटनी रोकनी चाहिए, दोबारा इस तरह की घटना नहीं होनी चाहिए, हमारी बच्चियों की, हमारी बहनों की, हमारी महिलाओं की आत्मरक्षा होनी चाहिए, उनकी सुरक्षा होनी चाहिए, और ये सरकार का दायित्व है, सरकार की जिम्मेदारी है। आखिर इस तरह की घटनाओं में वृद्धि कैसे आ रही है, बार बार घटनाएं कैसे घट रही हैं? महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री शिंदे जी के जिला में ठाणे जिले के अंदर बदलापुर में 4 साल की बच्ची पर अत्याचार होता है, शोषण होता है उसका, वो घटना पूरे महाराष्ट्र के अंदर लोगों को झकझोर दी है, और 2 दिन भी नहीं हुआ उसके बाद दहिसर के अंदर हुआ, कांदीवली में घटना घटी, मुंबई के अंदर अनेक जगह पर घटना घटती रहती है। आखिर ये सरकार करना क्या चाहती है? सरकार का दायित्व है, सरकार को गंभीरता से ऐसे विषय को लेना चाहिए और दोबारा इस तरह की घटना ना हो, दोबारा इस तरह की घटना ना घटे, उसके ऊपर कड़ा कायदे से कड़ा कदम उठाने की जरूरत है। सरकार कदम नहीं उठा रही है, इसलिए इस सरकार जगाने के लिए इस तरह का आंदोलन लोकतांत्रिक तरीके से हम लोग जगह जगह पे कर रहे हैं। अब इसमें कौन सी पॉलिटिक्स है आप मुझे बताइए, अगर किसी महिला बहन पर अत्याचार होता है, मुख्यमंत्री के गृह जिले के अंदर अत्याचार होता है, 4 साल की बच्ची के साथ इस तरह से शोषण होता है और 8-8 दिन तक पुलिस उसकी दखल नहीं लेती है, उसका FIR नहीं लॉन्च करती है, जब बदलापुर में वहाँ के लोगों ने, रहवासियों ने बदलापुर रेलवे स्टेशन को जाम किया, रेलवे बंद किया, तब जाकर पुलिस हरकत में आती है, सरकार हरकत में आती है, इसमें राजनीति कहाँ है? राजनीति तो सरकार कर रही है। एक तरफ लाडली बहन योजना का प्रचार प्रसार करने में सरकार मस्त है और दूसरी तरफ महिलाओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है, महिला अत्याचार से त्रस्त है, सरकार मस्त है, महिला बहनें त्रस्त है, तो ऐसी सरकार के खिलाफ आंदोलन क्यों नहीं होगा? सर, उद्धव ठाकरे जी ने कहा है कि जिस तरह से तत्परता हाई कोर्ट ने बंद के फैसले को अपना फैसला सुनाया है, उसी तरह ऐसे जो दरिंदे हैं, बिल्कुल न्यायालय का काम ही है फैसला देना चाहिए, और इस ऐसे मामले में कम से कम, वैसे तो सभी मामले में न्यायालय का निर्णय जल्दी आना चाहिए, लेकिन देखा जाता है कि 5-5 साल 10-10 साल लग जाता है। अभी महाराष्ट्र के अंदर जिस तरह से राष्ट्रवादी पार्टी टूटी, शिवसेना तोड़ी गई, गद्दारी करवाई गई, खोखे सरकार बनवाई गई, नियम गैरकानूनी तरीके से, आज भी वो मामला न्यायालय में विचाराधीन चल रहा है, तारीख पे तारीख चल रहा है। तो ऐसी घटनाओं की कम से कम हमारी महामहिम न्यायालय से यही हम लोगों की अपील है कि ऐसी घटनाओं के जो दोषी हैं कम से कम डेली बेसिस पर केस चलाकर उनको कड़ी सजा दी जाए, ताकि दोबारा इस तरह के लोग हिम्मत ना करें। जिस तरीके से मुख्यमंत्री सर ने कहा कि ये केस जो है फास्ट ट्रैक पर चलाया जाएगा, उसके बावजूद भी कम से कम उसके बदलापुर की इंसिडेंस के बाद 10 अधिक केस मुंबई के अंदर दर्ज हुए, अभी हाल ही में कुछ घंटा पहले नाला सुपारा में भी केस दर्ज हुआ, तो इस तरीके का 2 महीना लग गया फास्ट ट्रैक पर केस चलाने के बाद भी। मैं यही तो हमारा रोना है, यही तो कहना है कि सरकार अपने में मस्त है और हमारी महिलाएं त्रस्त हैं। एक घटना घटती नहीं है, दूसरी घटना हो जाती है, दूसरी घटना घटती नहीं है, तीसरी घटना घट जाती है। आखिर सरकार कर क्या रही है?
कानून और व्यवस्था इस महाराष्ट्र में है या नहीं, सवाल आज लोगों के सामने, नागरिकों के सामने ये खड़ा है। खाली सरकार घोषणाबाजी करते रहेगी, SIT गठित कर दिया है, डेली बेसिस पे न्यायालय चलाया जाएगा, आखिर कब किया जाएगा? घोषणा करने के बाद, घोषणा के ऊपर सरकारें नहीं चलती हैं, उसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए। कानून का राज्य है महाराष्ट्र में, ये दिखना चाहिए और ये दिखाने का काम महाराष्ट्र की सरकार ने कर लिया। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पे क्या कहेंगे? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये तो नारा मोदी जी ने दिया था, लेकिन दुर्भाग्य से सारी बेटियों को बचाने के बजाय सारी